हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अदर कोर्सेज़ का। बीटेक का तो ऑलरेडी मैंने कर दिया था, बीटेक बीआरक और लाइब्रेरी वाले कोर्स का। आज बाकी के जितने भी यूजी पीजी कोर्सेज़ हैं, लाइक एमसीए, एमएससी, बीए, बहुत सारे हैं, बीकॉम, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें सीट वैकेंट है। तो कैसे क्या करना है, यही इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आज के डिटेल में, और कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कैसे कर सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है jmicoe.in, जहां पर आओगे तो ये रेड में नोटिस चल रहे होते हैं। आप इनको क्लिक करके सिंपली डाउनलोड नहीं कर सकते, इनको क्या करना पड़ता है, किसी किसी डिवाइस में आप इसको देर तक टैप करो, जो भी लिंक आप करना चाहते हो, और उसको दूसरे पेज पर जाके पेस्ट करो, न्यू वाले, वहां पे आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। तो मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूं। देखो, नोटिस तो हमने ओपन डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर आप सब देख सकते हो 27th को कल की नोटिस आई थी, लेकिन मैंने कल बीटेक पे किया था, क्योंकि बीटेक का थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना था, बट यहाँ पर आपको फिजिकली नहीं जाना, इसीलिए आपके पास आज से स्टार्ट है। सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले कोर्सेज देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ सीट वैकेंट है इन कोर्सेज में, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, बीए, यहाँ पर देख सकते हो टर्किश, हिंदी, उर्दू, कोरियन, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद बीकॉम यहाँ पर देख सकते हो, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, उसके बाद बीएससी बायोटेक यहाँ पर, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री और एमसीए। पीजी में दो ही कोर्सेज हैं, एमएससी केमिस्ट्री और एमसीए। तो यहाँ पर एमसीए जैसे कोर्स में भी सीट वैकेंट है, वो भी जेएमआई में, बहुत बड़ी बात है ये। पहले इतना हाई कट ऑफ जाया करता था, सो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जो है, इस बार से कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। जैसा कि लास्ट ईयर क्या होता था कि अगर आप किसी भी कोर्स में आपने अगर अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में आप कोई से भी दूसरे कोर्स में अप्लाई कर सकते थे। सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैंने बीएससी के लिए अप्लाई किया है सपोज़, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंट्रेंस में, उतने कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं आया, तो मैं स्पोर्ट में बीकॉम या फिर बीए के लिए भी एलिजिबल था लास्ट ईयर तक। बट इस बार देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया, मेरे जानने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि इन ऊपर आपको, मतलब अगर आप एमसीए में स्पोर्ट चाहते हो, तो आपने ऑलरेडी एमसीए में रजिस्ट्रेशन आप, मतलब कि आपको करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मार्च अप्रैल में जो हुआ था, उस टाइम की बात हो रही है। अगर आपने उस टाइम उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया था, तभी आप स्पोर्ट में एलिजिबल हो उस कोर्स के लिए। सेम बीएससी में भी है, और वैसे अगर आप दूसरे कोर्स के, तो ट्राई ज़रूर करो, ट्राई करने में कुछ नहीं रखा, अगर होगा तो आ जाएगी आपकी डिटेल्स, वह सारी चीज़ें आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो टाइमिंग है, मतलब डेट, ये देख सकते हो आज से स्टार्ट है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ, 28th से लेके 30, आपके पास 3 दिन का टाइम है, 28, 29, 30। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो अभी करो, और आपके जानने वाले कोई भी है तो उनको शेयर करो, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले। अब यहाँ पर देख सकते हो जो लिस्ट है, वो ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट कम या फिर ऐसे एडमिशन नहीं होता, उसमें भी आपका मेरिट और काफ़ी चीज़ें देखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर एमसीए में ऑलरेडी फॉर्म फिल किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सपोज़ किसी वजह से, मेरे उतने मार्क्स नहीं थे, बट स्पोर्ट के अंदर अगर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया, तो इवन मैं बुलाया भी नहीं जाऊँगा, आप बाहर जाओगे। तो स्पोर्ट में करना ज़रूरी है, भले ही आप किसी भी कोर्स में हो, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर जो है आप हर अदर कोर्सेज में भी ट्राई कर लें। मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। तो पहले तो होता था कि आप अपने लॉगिन करके पोर्टल पे, वहाँ से आप ऐड न्यू करके आता था, वैसे भी आप कर सकते थे मेरे टाइम पे, बट यहाँ पर अब एक चीज़ आया है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे jmicoe.in, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एडमिशन में क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ चुका है, मॉर्निंग में बीकॉम का भी नहीं आ रहा था, मैंने चेक किया था, तो यहाँ पर बीए, बीकॉम, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें सीट वैकेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और पीजी में दो ही हैं, मतलब एमएससी केमिस्ट्री और यहाँ पर एमसीए, और भी ये सारे आप देख सकते हो। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एमसीए सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मुझे अपना सीयूई, सपोज़ अगर आप जैसे बीए के बहुत सारे प्रोग्राम है ग्रेजुएशन के, जिसमें सीयूटी के थ्रू होता है, और किसी में खुद एंट्रेंस होता है, तो आप सीयूटी का यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या फिर जेएमआई का रोल नंबर, आप अगर आपका नहीं आता है, मैं आपको बताऊँगा, आप सारी चीज़ें डाल कर देखो। ऑब्वियसली आप ट्राई करने में क्या है, एक दो मिनट की बात है, इवन आपके पास अगर सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एडमिट कार्ड है, जेएमआई का रजिस्ट्रेशन है, जेएमआई का एडमिट कार्ड है, सब कुछ डाल कर देखो यहाँ पर। फिर आप सर्च पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपके पास, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, आप जब, अभी तो मैंने कोई ऐसा रोल नंबर है नहीं मेरे पास, मैं सर्च पे क्लिक करोगे तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो, तो सीधा लिख कर आ जाएगा यू आर नॉट इन द लिस्ट। सपोज़ अगर आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर अगर आपने किसी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो यू आर नॉट इन द लिस्ट, ऐसे करके आएगा रेड में। या फिर और अगर आप एलिजिबल हो, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आपका लिख के डिटेल्स लिख के आएगा, आपका नाम, आपका मतलब जो भी है, उसके बाद नीचे रहेगा प्रिंट। आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट ले लो, जो करना है करो, आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए जो एडमिशन के टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है। हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रोसेस है, इतना ही करना है। और जो अभी प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा उसका रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक डाउट और कि कौन कौन कर सकता है, तो यार सब कर लो, कितने भी कोर्सेज में करना है कर लो, अगर एलिजिबल रहोगे तो आ जाएगा, आपकी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी, नहीं रहोगे तो लिख के आ जाएगा यू आर नॉट इन द लिस्ट। ऐसा सोचना क्या है कि यार करूँ या ना करूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, करके देख लो यार, पता चल जाएगा एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ग्लीचेस भी होते हैं इनके वेबसाइट पर। सो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, जो भी आपके जानने वाले हैं JMI में आना चाहते हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है स्पोर्ट, इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान देना है और रिजल्ट वहीं पर आएगा, अगर अलग से कहीं आता है तो मैं वीडियो कर दूंगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। सो वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट मैं लाता रहता हूँ। और स्कूल के भी आए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, तो स्कूल के लिए अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। वैसे मैं स्कूल पर बनाता नहीं हूँ, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, लाइफ का सवाल होता है, इसीलिए मैं अब कर देता हूँ। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में।